हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। इस चैप्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या। ठीक, ट्रायंगल का डिफिनेशन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत पहले से ट्रायंगल के बारे में जानते आ रहे होंगे। तो ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। मतलब एक प्लेन फिगर मीन्स क्या कि टू डी फिगर होगा। ठीक है, प्लेन फिगर हम लोग किसको बोलते हैं, टू डी फिगर को बोलते हैं। ए प्लेन फिगर इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। तो तीन लाइन सेगमेंट होना चाहिए। अगर उस तीनों लाइन सेगमेंट को एक दूसरे से हम क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तब जाकर के जो आपको प्लेन मिलेगा, बाउंडेड प्लेन, ठीक है, बाउंडेड फिगर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगल बोलेंगे। इस रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका नाम अगर हम लोग दें ए बी और ये रहा सी। ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, दूसरा लाइन सेगमेंट बी सी और तीसरा ए सी। तो ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय ट्रायंगल। इस तरह से डिनोटेड बाय ट्रायंगल, इसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। अब देखिए, इस ट्रायंगल का कुछ ना कुछ नेम होगा। तो क्या नेम होगा इसका, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ट्रायंगल ए बी सी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें और क्या क्या आपको दिखेगा। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट और ये और ये, इस तीनों को क्या बोलते हैं, वर्टिसेज ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिसेज। तो देयर आर थ्री वर्टिसेज, देयर आर थ्री वर्टिसेज इन दिस ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में आपको थ्री वर्टिसेज क्या क्या दिख रहा है, ए बी एंड सी। ये तीनों क्या दिख रहा है आपको, वर्टिसेज दिख रहा है। ठीक है, ए बी और सी। और क्या दिख रहा है इस ट्रायंगल में आपको, इस ट्रायंगल में सर तीन साइड भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, थ्री साइड्स। वो तीनों साइड कौन कौन सा है, साइड्स, देयर आर थ्री साइड्स। थ्री साइड्स कौन कौन है, ए बी बी सी एंड ए सी। ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी एंड एस, ये तीनों साइड है। और इसमें क्या दिख रहा है सर, इसमें जो हम लोग को यहाँ पर, अगर आप ए बी और बी सी को देखिएगा, तो इससे बना हुआ एक एंगल यहाँ पर दिख रहा है, बी सी और ए सी से बना हुआ एक एंगल यहाँ पर दिख रहा है, और ए बी और ए सी से बना हुआ एक एंगल यहाँ पर दिख रहा है। तो सर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर मिस क्या, तीन हम लोग को यहाँ पर क्या दिख रहा है, इंटीरियर एंगल दिख रहा है। ठीक है, थ्री इंटीरियर एंगल, कौन कौन सा, तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए एंड एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। इस तरह से तीन एंगल दिख रहे हैं। अब इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी को, जो आपको यहाँ मिडिल मिडिल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे, एंगल बी। इसके मिडिल में क्या दिख रहा है, सी, एंगल सी। इसके मिडिल में क्या दिख रहा है, तो एंगल ए दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें तीन एंगल है, तीन वर्टिसेज और तीन साइड है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, ये अभी तक क्या हम लोग देखे थे, डिफिनेशन, सिर्फ ट्रायंगल का डिफिनेशन देखे। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। इसके साइड के बेसिस पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एंड आफ्टर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक साइड और दूसरा एंगल। चैप्टर का नाम है क्या, ट्रायंगल एंड देयर एंगल्स। ट्रायंगल एंड देयर एंगल्स, हम लोग यहाँ पर हमेशा बात करेंगे ट्रायंगल और उसके एंगल और उसके साइड के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या क्या हो जाएगा, एंगल और साइड, एंगल और साइड के बेसिस पर क्या देखने वाले हैं इसके टाइप्स को। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। नंबर फर्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। तो इस तीनों साइड में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोग क्या देखने वाले हैं इसका टाइप्स। फर्स्ट फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फर्स्ट क्या होगा आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात करते हैं ट्रायंगल का, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर आपको नाम से क्या पता चल रहा है सर, इक्वी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इक्वी। इक्वी मीन्स होता है क्या, इक्वल। इक्वी मीन्स इक्वल। और लेटरल मीन्स क्या होता है सर, साइड। लेटरल मीन्स क्या होता है, साइड। तो इससे क्या पता चल रहा है,
एक ऐसा ट्रेंगल जिसका कि तीनों साइड आपस में इक्वल होगा, एक ऐसा ट्रेंगल जिसका कि तीनों साइड आपस में इक्वल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ए ट्रेंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रेंगल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलेंगे, जब तीनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा इस तरह से। देयर फोर हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, अगर तीनों साइड इक्वल हो रहा है तो उस टाइप के ट्रेंगल को क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं आइसोसेलस ट्रेंगल। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या, आइसोसेलस ट्रेंगल। तो नाम से क्या पता चल रहा है, आइसोसेलस ट्रेंगल। नंबर सेकेंड, आइसोमिस क्या होता है, टू। आइसोमिस टू मतलब एक ऐसा ट्रेंगल जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी दो साइड, एक ऐसा ट्रेंगल जिसमें कि कोई भी दो साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलस ट्रेंगल ए बी सी। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ए ट्रेंगल हैविंग एनी टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रेंगल। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर ट्रेंगल बना हुआ है, सपोज कि ए बी इक्वल टू ए सी हो रहा है, तब जाकर के इस टाइप के ट्रेंगल को क्या बोलेंगे आइसोसेलस ट्रेंगल। ए बी इक्वल टू ए सी डजेंट मैटर बी सी, ठीक है, बी सी क्या है, नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। अगर बी सी भी इसके इक्वल हो जाएगा तो फिर वो क्या कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रेंगल कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ कोई भी दो साइड आपस में इक्वल है तब वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलस ट्रेंगल कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या, एस्केलेन ट्रेंगल में क्या होगा, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तीनों साइड का जो मेजरमेंट आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है, तीनों साइड का जो मेजरमेंट आएगा वो क्या आएगा डिफरेंट आएगा। तो क्या बोलते हैं इस टाइप के ट्रेंगल को, एस्केलेन ट्रेंगल। एस्केलेन ट्रेंगल ए ट्रेंगल हैविंग ऑल साइड्स आर मेजर्ड ऑफ लेंथ डिफरेंट इज कॉल्ड एस्केलेन ट्रेंगल। यानी एक ऐसा ट्रेंगल जिसमें कि तीनों साइड का लेंथ जो आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। एक ऐसा ट्रेंगल जिसमें कि तीनों साइड का जो लेंथ आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केलेन ट्रेंगल आएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केलेन ट्रेंगल। मीन्स ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी। तो इस तरह से हम लोग स्पीड में, फास्ट में क्या देख लिए, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज था, हम लोग को मेन जो पढ़ना है वो थ्योरम से पढ़ना है, ठीक, क्लास नाइन्थ में ट्रेंगल चैप्टर में मेन जो पढ़ना है वो क्या, थ्योरम पढ़ना है, ये सब उसे एकदम से बेसिक चीज है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान करते हैं किस पर, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, उसके एंगल के बेसिस पर टाइप्स ऑफ ट्रेंगल देखना है, उसके एंगल के बेसिस पर टाइप्स ऑफ क्या देखना है, ट्रेंगल देखना है, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, उसके एंगल के बेसिस पर टाइप्स ऑफ ट्रेंगल देखना है। नंबर फर्स्ट, आप लोग नाम सुने होइएगा, राइट एंगल ट्रेंगल। नंबर फर्स्ट, राइट एंगल्ड ट्रेंगल। तो यहां पर नाम से क्या पता चल रहा है कि इस ट्रेंगल में क्या बनता हुआ, राइट एंगल ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में क्या बनता हुआ, राइट एंगल बनता हुआ, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या है सर, ये ट्रेंगल है, कैसा ट्रेंगल है अभी नहीं पता, अगर आपको यहां पर बोल दे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, तब जाकर के यहां पर एक एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का,
ये दोनों क्या बन रहा है नहीं बन रहा नहीं पता अभी, ठीक है, बस एक एंगल क्या बोल देगा 90 बन रहा है, देन दिस टाइप ऑफ ट्रेंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रेंगल। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ए ट्रेंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स, इन विच वन ऑफ द एंगल्स मेजर्ड 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रेंगल, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रेंगल। मतलब ये ए ट्रेंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स, जितना भी इसमें एंगल है सब में से अगर कोई एक एंगल, कोई भी एक एंगल अगर कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल अगर यहाँ पर बन रहा है, तब जाकर के इस टाइप को ट्रेंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंगल ए बी सी कितना बन रहा है सर, राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, देयर फोर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट आर टी राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग शॉर्ट में अब से ऐसे लिखा करेंगे, ठीक है, आर टी राइट एंगल का सिंबल ऐसे और ट्रेंगल ऐसे, राइट एंगल ट्रेंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोई भी एक एंगल मेजर करेंगे तब। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, क्या देखने वाले हम लोग नेक्स्ट, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल में क्या होने वाला है, क्या कोई एक एंगल ट्रेंगल का, क्या कोई एक एंगल एक्यूट होगा, या कोई दो एंगल एक्यूट होगा, या फिर तीनों एक्यूट होगा, या फिर तीनों एक्यूट होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर सेकेंड, एक्यूट एंगल्ड ट्रेंगल, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल में ध्यान से सुनिएगा, एक्यूट एंगल ट्रेंगल में जो होगा तीनों एंगल क्या मेजर करेंगे, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रेंगल उस टाइप के ट्रेंगल को बोलेंगे जिसमें कि तीनों एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मीन्स क्या, मेजर्ड मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, मेजर्ड मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यानी ये भी एंगल एक्यूट होना चाहिए, ये भी एक्यूट होना चाहिए और ये भी एक्यूट होना चाहिए, तीनों के तीनों एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट होगा, तब जाकर के हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के एंगल को एक्यूट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ए ट्रेंगल इन विच ऑल एंगल्स आर मेजर्ड एक्यूट एंगल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रेंगल, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रेंगल। तब जाकर के हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के ट्रेंगल को एक्यूट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। तो हम लोग क्या समझ गए, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। अब क्या देखना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल देखना है, क्या देखना है हम लोग को, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। तो क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में क्या होने वाला है, क्या कोई दो एंगल ऑब्ट्यूज होगा, या कोई एक या फिर तीनों। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो इसमें जो होगा आपका नंबर थ्री, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में जो होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, इसमें क्या होने वाला है आपका, देखिएगा ध्यान से, यानी कोई भी एक एंगल क्या है, कोई भी एक एंगल अगर बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल, तब जाकर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, यह कैसा एंगल है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल है। ट्रेंगल कैसा है, ए बी सी, तब जाकर हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ए ट्रेंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स सभी एंगल में से कोई एक, ए ट्रेंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज मेजर्ड ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल,　ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल।
ठीक है, तो इस तरह से 180 से कम क्या दिख रहा है आपको, 180 से कम बट 90 से ज्यादा, मोर देन 90 लेस देन 180 को क्या बोल देंगे हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे अगर ट्रेंगल में कोई एक ही एंगल, ट्रेंगल में कोई एक ही एंगल अगर आपको क्या दिखेगा, ऑब्ट्यूज एंगल, तब जाकर हम लोग क्या बोलेंगे उस टाइप के ट्रेंगल को, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल बोलेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, तीनों पढ़ लिए ठीक है, तीनों टाइप पढ़ लिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा। यहां पर आपका ये क्या था, राइट एंगल ट्रेंगल था, ये क्या था, एक्यूट एंगल ट्रेंगल था, और यहां पर ये आपको क्या दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल दिख रहा है। ये तीनों ट्रेंगल क्या है, ए बी सी, ये भी क्या है ए बी सी, ये भी क्या है ए बी सी। और अब देखिएगा ध्यान से इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर एक एंगल कितना बन रहा है 90, तो इस दोनों एंगल का सम, इस दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90, तभी तो तीनों को मिला करके 180 आएगा। ये अकेले 90 है, तो इस दोनों एंगल ए प्लस एंगल सी मिल करके कितना होना चाहिए, 90। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों मिल करके अगर 90 होगा, ये दोनों मिल करके अगर 90 होगा, कहीं ना कहीं ये दोनों एंगल कैसे, किस टाइप एंगल होगा, ये दोनों एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, तभी तो दोनों मिल करके 90 होगा ठीक है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी कोई दो एंगल 90-90 नहीं होगा, कोई एक ही एंगल 90 होगा और अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फैक्ट। सेकंड, हम लोग आते हैं किसमें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों का तीनों एंगल जो मेजर होगा वो एक्यूट एंगल के फॉर्म होगा, तीनों का तीनों एंगल जो होगा कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं, अब ध्यान सुनिए, ये कोई जरूरी नहीं है ये तीनों एंगल आपस में इक्वल ही होगा, आपस में अगर इक्वल होगा तो 60-60 होगा, जब ये 60-60 होगा तो फिर ये क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। और यहां पर ये कोई जरूरी नहीं कि तीनों क्या होगा, इक्वल ही होगा, इक्वल नहीं होगा, डिफरेंट भी हो सकता है, बट वो एक्यूट एंगल ही होगा, चलिएगा। नंबर थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑब्ट्यूज होगा, बाद में कि इधर दोनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, या फिर ऐसे कह सकते इधर दोनों एंगल जो होगा वो कितना होगा, एक्यूट एंगल होगा ठीक है। इधर दोनों एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। दैट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट ट्रायंगल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का डिफिनेशन देख लिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं, और वो थ्योरम क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री ठीक है। क्लास 9th में यही सब कुछ बेसिक बेसिक चीज पढ़ना है, और धीरे धीरे हम लोग लेवल जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ाते जाएंगे, और हम लोग एक एक करके सब चीज को पढ़ लेंगे ठीक है, चलेगा।